हेलो, दिस इज नयाब एंड आप देख रहे हैं बीच फिटनेस। सो लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सार्म्स को चलाने के बाद आपको पीसीटी करना चाहिए या नहीं। पीसीटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्रेंड्स, पीसीटी दरअसल तीन मेडिसिन को यूज़ किया जाता है, नॉलवाडेक्स, क्लोमिड और एससीजी। जब आप बाहर से एक्सोजेनस हार्मोन डालते हैं अपने बॉडी में लाइक टेस्टोस्टेरोन, तो आपका नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होता है वो बंद हो जाता है। सो उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए पीसीटी का यूज़ होता है। बट मार्केट में ये हल्ला है आजकल के साम्स को यूज़ करने के बाद पीसीटी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहुत सारे साम्स जिनका कंपनी है जो मार्केटिंग कर रहे हैं कि साम्स को करने के बाद पीसीटी का ज़रूरत नहीं पड़ता है और ये इसका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल को ये सप्रेस नहीं करता है, ये बिल्कुल भी गलत है। आप मार्केटिंग पे ना जाए, ये जस्ट एक मार्केटिंग फंडा है। सांस भी जस्ट लाइक स्टेरॉइड्स की तरह है और मैं आपको ए से लेके जेड तक बताता हूँ कि किन सांस को लेने के बाद आपको पीसीटी करना चाहिए और किन सांस को लेने के बाद आपको पीसीटी नहीं करना पड़ेगा। और दरअसल वो सांस है ही नहीं, वो दरअसल एचजीएच जो आपके ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट करने और IGF-1 को सेक्रेट करने में हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप किसी भी साम साइकिल को चलाने के बाद आप पीसीटी करते हैं, ये स्टार्ट साइकिल चलाने के बाद पीसीटी करते अगर नहीं भी करते हैं, तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ ख़त्म हो गया है, आपका लिबिडो मर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका लिबिडो वगैरह दोबारा वापस आएगा, बट टाइम ज़्यादा लग सकता है, 6 महीने लग सकता है। और आपने अगर हेवी डोज चलाया है तो वन ईयर भी लग सकता है बैक टू नॉर्मल स्टेज आने में। और फ्रेंड्स, आपको साम्स यूज़ करने के बाद आपको पीसीटी करना चाहिए या नहीं, ये डिपेंड करता है आपके ब्लड वर्क पर। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, MK677 ये साम्स नहीं है, ये ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपने MK677 और LGD जो कि फैट बर्न करने में हेल्प करता है, तो आपको पीसीटी करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर इसको ले सकते हैं, ये पीसीटी को नीड नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड, जब आप LGD, S4, RAD 140 यूज़ करते हैं, तो आपको पीसीटी करना पड़ेगा। बट वो भी बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपका एज ज़्यादा है तो लाइकली है कि आपको पीसीटी करना पड़ेगा, लेकिन वो भी ब्लड वर्क आपका डिसाइड करता है। अगर आप, और एक फैक्टर है कि आपने अगर 1 मंथ के लिए साइकिल चलाया है या 2 मंथ के लिए, तो लाइकली है कि आपको पीसीटी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने 5 महीने 6 महीने के लिए साइकिल चलाया है, तो लाइकली है कि आपको पीसीटी करना पड़ेगा। और एज फैक्टर तो मैंने बता ही दिया है कि जिनका एज ज़्यादा है, लाइकली है कि उनको पीसीटी करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपका एज ज़्यादा है, उस वक्त आप स्टेरॉयड या साम्स यूज़ करते हैं, तो आपका बॉडी का पोटेंसी कम हो जाता है नॉर्मल स्टेज पे दोबारा आने पे। वेयर एज जब आप यंग हो तो आपका पोटेंसी ज़्यादा होता है कि आप बैक टू नॉर्मल स्टेज पे आ जाए, बैक टू आपका टेस्टोस्टेरोन दोबारा रिवाइव हो। बट स्टिल आपका ब्लड वर्क डिसाइड करता है। कोई भी ट्रेनर अगर बोलता है, कोई भी अगर जिस कंपनी का साम्स है मार्केटिंग कर रहा है कि इसको पीसीटी नहीं करना चाहिए, तो वो झूठ बोल रहा है। डोंट प्ले विथ योर लाइफ। और मैंने बहुत देखा है कि लड़के गर्लफ्रेंड से छुपाने के लिए, जस्ट बिकॉज इंजेक्शन वगैरह, थोड़ा सा स्टिग्मा लगता है सोशल के युवा ये लेता है। और जो साम्स होता है कैप्सूल, अरे इट इज़ नॉट स्टेरॉयड, इट इज़ जस्ट डायट्री सप्लीमेंट। सो कॉल्ड ये गुरुजी का कहना बंद करो। साम्स भी लगभग उसी तरह आपके बॉडी में चेंजेस करता है, उसी तरह का साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करता है जिस तरह की स्टेरॉयड करता है। मेरा फेवरेट नहीं है साम्स, बिकॉज जो मैं करना चाहता हूँ, मैं अपने आप विज़न में क्लियर हूँ। मैं बीच का लाइन पिक नहीं करना चाहता हूँ।
सो बहकावे में मत जाओ कि साम्स बहुत ज़्यादा सेफ़ है। आप अगर पीसीटी नहीं करना चाहते हो तो आप MK677 आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कंपाउंड है एंड बहुत आपको इससे बेनिफिट होगा और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सो MK677 इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, वो साम्स नहीं है, कभी भी इसे कंबाइन मत करना साम्स के साथ। अगर आपने S4 और रैड 140 का साइकिल अगर चलाया है 4-5 महीने तक तो अपना ब्लड वर्क कराए और अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन है या उस टाइम जब आप ले रहे हो तो अप है, तो कुछ पीरियड होता है उसके बाद जो हाफ़ लाइफ होता है उसके बाद PCT स्टार्ट करना चाहिए। जो आप साम्स यूज़ कर रहे हैं उसका भी कुछ हाफ़ लाइफ होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी बिल्डर्स 10 दिन के बाद यूज़ करते हैं, या फिर टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट लेते हैं तो 20 दिन के बाद भी यूज़ करते हैं, डिपेंड्स ऑन द हाफ लाइफ। सो मेरा फेवरेट है, मैं नॉल्वाडेक्स यूज़ करता हूँ बिकॉज नॉल्वाडेक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्लोमिड से। क्लोमिड का कुछ साइड इफ़ेक्ट है जैसे कि मूड स्विंग होता है, एक्ने वगैरह होता है, तो मैं प्रीफर करता हूँ नॉल्वाडेक्स को। और SCG फ्रेंड्स आप साम्स के केस में ना लो बिकॉज दैट इज़ व्हाई यू आर यूजिंग साम्स। अगर इतना ही डर रहता तो आप स्टेरॉयड यूज़ करते। सो साम्स यूज़ कर रहे हैं कुछ बेनिफिट होना चाहिए, SCG आप मत लो अगर साम्स यूज़ कर रहे हो तो, आप बैक टू नॉर्मल स्टेज पे आ जाओगे। बट बॉडी को थोड़ा टाइम दो। और मैंने बहुत कोई देखा है कि किसी बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को भी देखा है कि जिनको नॉलेज नहीं होता है, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट सो एजुकेटेड, वो लोग हाफ लाइफ ख़त्म करने से पहले ही नॉल्वाडेक्स क्लोमिड SCG भोंके जा रहे हैं, लेकिन उनको दे जस्ट डोंट हैव द फकिंग नॉलेज दैट हाफ लाइफ भी ख़त्म नहीं हुआ है और उनका बॉडी ये रियलाइज भी नहीं कर पा रहा है कि आप उसे PCT दे रहे हो और आप उनके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को ये फोर्स कर रहे हो, एक सिग्नल दे रहे हो, एक मैसेज दे रहे हो कि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रोड्यूस करो। सो हाफ लाइफ ख़त्म होने के बाद ही आप PCT स्टार्ट करो। एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आते हैं कि स्टेरॉयड साइकिल चलाया है, साम साइकिल चलाया है, उसके 3-5 महीने उसके बाद उनके जो लिबिडो है उनमें प्रॉब्लम हो रहा है, इरेक्शन नहीं हो रहा है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे आर फेसिंग, तो उस वक्त आप वाइग्रा 46 आप यूज़ कर सकते हो टेम्पोरली, ताकि आपको ये सारे जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इससे आप टेम्पोरली बच जाओ और थोड़े दिन के बाद आप नॉर्मल, आपका टेस्ट लेवल आ जाएगा, आप PCT अच्छे से करो। फ्रेंड्स बॉटम लाइन यही है कि आप साम्स का साइकिल चलाने के बाद आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे PCT नहीं करना चाहिए, बशर्ते कि अगर आप MK677 कर रहे हो तो आपको कोई PCT दरकार नहीं है, क्योंकि ये आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल को छेड़छाड़ नहीं करता है, LH और FSH से ये खिलवाड़ नहीं करता है। जबकि आप अदर साम्स यूज़ कर रहे हो और आपके कोच और जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि टेस्ट लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल रहता है, देन बी केयरफुल फ्रेंड्स, यू आर प्लेइंग विथ योर लाइफ जस्ट बिकॉज आपकी गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी और जहाँ से आप टेस्ट कराने जा रहे हो वो क्या सोचेगी, ये सब मत सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। साम्स इज़ नॉट सेफ, इट इज़ जस्ट सेफर दैन स्टेरॉयड्स, बट ये सेफ नहीं है, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है इसीलिए इसको सेफ बताते हैं। बट फ्रेंड्स द बॉटम लाइन इज़ ऑलवेज डू योर ब्लड वर्क, उसके बाद ही आप ये डिसीजन करो कि आपको PCD करना है या नहीं, आपका ब्लड वर्क आपको क्लियरली बता देगा। फिर भी मैंने कुछ क्राइटेरिया बता दिया, जैसे कि आपका एज अगर ज़्यादा है तो लाइकली है कि आपको करना पड़ेगा, अगर आपने लंबा साइकिल चलाया है तो लाइकली है आपको करना पड़ेगा, और आपने LGD और MK677 चलाया है तो वो साम्स में नहीं आता है तो आपको PCT नहीं करना पड़ेगा। सो ये सारे क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो फ्रेंड्स अबाउट साम्स। बहुत दिन से आप लोग साम्स कर रहे हो तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज एक कतरू वीडियो बना दूं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो रेड बटन को टक 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 ज़रूर दबाओ, ताकि इस तरह का लल्लनटा कतरू वीडियो आपको एक रेगुलर बेसिस पर मिलता रहे।
सो दैट्स बीइंग सेड फ्रेंड्स अबाउट टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, वल्लभ, पीस आउट, आई लव यू ऑल.